कर्नाटका में बीएस येदुरप्पा के फ्लोर टेस्ट से पहले बागी विधायकों पर फैसला आ गया। कर्नाटक के विधानसभा के स्पीकर रमेश कुमार ने 17 बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया। कर्नाटक में 17 विधायकों के अयोग्य घोषित होने के बाद कर्नाटक की मौजूदा वक्त में विधानसभा की संख्या 207 रह गई है। इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा 104 विधायकों का रह गया है। एक सदस्य मनोनीत है, कुल संख्या 105 विधायकों की है। बीजेपी के पास फिलहाल 105 विधायकों का समर्थन है, जैसा कि पिछले ट्रस्ट वोट में कुमारस्वामी के पक्ष में 99 और विपक्ष में 105 वोट पड़े थे। अब 31 जुलाई को मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा को बहुमत साबित करना है। बागी विधायकों पर फैसला लेने के बाद में कर्नाटका के विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार ने कहा कि मैंने किसी चालाकी या ड्रामे से कोई फैसला नहीं लिया, बल्कि पूरे सौम्य तरीके से मेरा यह फैसला है। मगर भारतीय जनता पार्टी अब कर्नाटक के स्पीकर के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। कैमरा पर्सन राघव के साथ जब्बार खान, R9 TV।